उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की कोतवाली बिसोली के मोहल्ला गुलाबबाग में चोरों ने बुधवार की रात एक घर में घुसकर 50,000 रुपए की नकदी समेत 2,00,000 के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। गुरुवार सुबह चोरी की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित सोहन पाल ने तहरीर देकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित महिला ने बताया कि वो रात के समय घर की छत पर सोए हुए थे और जब सुबह उन्होंने नीचे आकर घर का सामान बिखरा देखा तो उनके होश उड़ गए। महिला ने बताया कि चोर रात को जीने के रास्ते घर में घुस आए और बॉक्स में रखे 50,000 रुपए समेत सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। सो रहे छत पे और रात में पता न कहते वक्त घुस गए और 3:30 बजे मुतर का आए। हमारे बच्चों ने कई सामान फैला पड़ा है, तो मुतर का आए तो सामान सब फैलो हो सौदा सब बेकार कर ले गए और पता ना कितने घन घुस गए कितने घन निकल गए। 3 चीज़ें सोने की गई, एक अंगूठी है, टीका है, मंगलसूत्र है, खड़ुआ है, बिछुआ है, पानी के पजेब है। नगद राशि कोई? हाँ, 50,000 रुपया है। पुलिस को सूचना दी? हाँ, 8 बजे दी, अभी कोई इनकारी करने नहीं आया।